गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। नमस्कार बेटा। आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। आई एम फाइन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गुरु ब्रह्मा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, only this much student. Happy Okay, everyone, so let us start our class with a prayer. Okay, so for today we will recite poem. Okay, ma'am. So, everyone? Yes. Up to six. Ma'am, someone started to bowl down. Second secret class, kaun sa hai? बेटा मुझे नहीं पता, आप अपना टाइम टेबल चेक करो, मुझे नहीं पता है बेटा। मैम मैं गुरु ब्रह्मा का श्लोक बोलूं? यस हस्ती बोलो। यस बेटा बोलो बोलो। यस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हस्ती। ओके वेरी गुड बेटा। यस सो टुडे इट वाज श्लोक बाय हस्ती, दैट इज गुरु ब्रह्मा। वेरी गुड हस्ती, वेरी गुड बेटा। मैम तो नाउ वी हैव ऑलवेज। यस बेटा, थैंक यू सो मच। मैंने है ना आपके लिए वीडियो भेजा है। आपने वीडियो भेजा है मुझे? मैं देख लूंगी बेटा, मुझे नहीं पता था। बहुत सारे मैसेजेस शायद नीचे पीछे चला गया होगा, मैं देख लेती बात आज देख लूंगी। ओके थैंक यू फॉर मेकिंग अ वीडियो मनश्री, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। यस ओके सो के लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक योर अटेंडेंस, सो एज आई से योर नेम प्लीज से यस मैम और प्रेजेंट मैम। यस पुलस्य अघारा, पुलस्य प्रेजेंट मैम। धर्म बोरनिया, प्रेजेंट मैम। सुही ब्लोस, प्रेजेंट मैम। बस देखरिया, आयु देत्रोजा, ओके दस मैम दस इज प्रेजेंट। यस यस दस, आयु देत्रोजा, प्रेजेंट मैम। माधव फलाड़िया, प्रेजेंट मैम। मनस्वी घेटलोजा, प्रेजेंट मैम। द्विज कगत्रा, प्रेजेंट मैम। नव्या चेला, प्रियांश गावत, प्रेजेंट मैम। ओके निर्मित मिस्त्री, देवेश मुंगिया, प्रेजेंट मैम। देवेश मुंगिया ही। रिचा पाटड़िया, कीप योर माइक ऑफ बेटा। नक्ष पाटड़िया, आरव पटेल मैम प्रेजेंट। दुर्वा पटेल, हस्ती पटेल, प्रेजेंट मैम। निखिया राज, श्लोक सांझा,
श्लोक संध्या इज प्रेजेंट मैम. केविन सावरिया प्रेजेंट मैम. जिज्ञासा सेनापति प्रेजेंट मैम. साक्षी शर्मा श्रद्धा मंदव्या एंड ध्रुवा वामजा. ओके ओके एवरीवन, सो योर अटेंडेंस इज टेकन. अगर आपका नेम ना आया हो, इफ योर नेम डिडंट कम, तो ओके देन राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स. यस पुलकिया, व्हाट डाउट डू यू हैव बेटा? मैम आपने जो पर 9 पेज नंबर में होमवर्क किया था ना, 8 to 15 बेटा. यस 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 यस. मैं टेंस कौन है ना, ये हिट अ होम रन का मतलब क्या है? हिट अ होम रन यानी कि वहां से भाग जाना. That is to run from the house. That is वहाँ से भाग जाना, वहाँ से चले जाना. So that is a home run. Hit a home run. Okay. ये blank में क्या आएगा? So बेटा you can write a thief. Thief जो घर से भाग जाते हैं, right? चोरी करने के बाद. So that you can एक जगह से भाग जाना. That means से thief जो भागने वाले तो कौन होंगे? So that can be thief, चोर. सब thief ही सकते हो. और the thief. ओके क्योंकि यहाँ पर हमें थीट दिया है, सो इट विल बी थीट मोर देन वन. ओके ओके नाउ एवरीवन प्लीज ओपन. ओके सो टिल नाउ वी हैव स्टार्टेड अवर ग्रामर पोर्शन प्लीज इन अवर पीए वन वर्कशीट. दक्ष कीप योर वीडियो ऑफ बेटा एंड यस मॉनिटर ऑफ द क्लास. टुडे इज मॉनिटर ऑफ द क्लास. सो टुडे इज मॉनिटर विल बी आरव से गाइस. ओके आरव वेट अ मिनट बेटा. टुडे मॉनिटर ऑफ द क्लास विल बी मनस्वी. ओके मनस्वी जेट्रोजा. चलो सो मनस्वी यू विल कीप अ वॉच दैट नो वन टर्न्स ऑन द वीडियो. ठीक है, कोई अपना वीडियो ऑन ना करे. दैट इज योर वर्क, दैट इज योर जॉब कि आप वो ख्याल रखोगे. डन. ओके मैम. Okay, so we have started grammar portion in our PA1 worksheet. Okay, so we did, in last class we did subject and the predicate part of a sentence. So today we are going to do page number 10. Everyone please open page number 10 in your PA1 worksheet and there write CW and today's day. CW and today's day, that is 24-7-21. Okay, so see. Put each group of words together in a sentence. So here, 5 group of words are given, but they are jumbled up. That is, उल्टे पुल्टे दिए हैं. So we need to arrange them and make a meaningful sentence. So first is, was the game interesting? So we need to arrange them and then write in a meaningful sentence. Was, then second is the game. And third is interesting. So, first of all, naming part will come. So, naming part of a sentence. So, कहाँ से start होगा हमारा sentence? Yes, बेटा, give answer. Game. The game. 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 Yes. Sentence will start game. From the game. The game. After game, what will come? The game was interesting. The game was interesting. Yes, the game was interesting. Very good. The game was interesting. And then full stop. The game was interesting. दिख रहा है बेटा? Are you able to see this? मतलब कि मैं राइटिंग बड़े बड़े करूं क्या, या आपको दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दिस? इतना राइटिंग दिख रहे हैं आपको कि बड़े करूं? यस मैम. बड़े करूं? नो मैम. सो दिस इज ओके. ओके ओके. नाउ सेकंड,
अंडर द टनल दैट इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड अंडर द टनल देन स्पेड ठीक है पैड जो दिया है वहां पर सेकेंड में पैड ओके तो बीच में पैड दिया है दैट इज स्पीड फॉर प्रेजेंट टेंस वी यूज स्पीड एंड फॉर पास्ट वी यूज पैड ओके पैड का मतलब है स्पीड में जाना सो अंडर द टनल स्पेड द कार सो व्हेन वी अरेंज दिस व्हाट इज द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल यस अब अंडर द टनल वेरी गुड द कार स्पेड अंडर द टनल सी That is the naming part. That is naming part. पहले आएगा so that is car, then doing work, so sped, and then rest of the sentence that is under the tunnel. Tunnel means for सुरंग. Tunnel का मतलब होता है सुरंग. आपने देखी है कभी tunnel? Have you ever seen a tunnel? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. Yes, ma'am. Okay. Okay, बेटा. Okay. Yes, ma'am. Okay, beta. Okay, now third. John the baseball hit. John the baseball. John the baseball. Basketball. Basketball, beta. It is baseball. Yes, John. See, John is name of a person. Okay, so we will start our sentence with name of a person. So here it is John. Then hit. John hit the baseball. Baseball एक व्हाइट कलर का बॉल होता है ओके इट इज अ व्हाइट कलर्ड बॉल John hit the baseball. Now, fourth, jumped on David. The trampoline आपने देखा होगा that is used for jumping. So our first again our sentence will start with the name of a person that is doing what that is jumped. David jumped on the trampoline. David jumped on trampoline. Trampoline. David jumped on the trampoline and then full stop. And now fifth. Climbed the tree, my friend. Now see my friend and there is you have to add I. आपको ऐसे दिया है माय फ्रेंड एंड ऐसे दिया है यहाँ पर आपको आई ऐड करना है दिस इज नॉट गिवन ऐड आई इन फिफ्थ क्लाइंब द ट्री माय फ्रेंड एंड आई आई विल कम यस नाउ व्हाट विल बी द सेंटेंस इट व्हेन वी अरेंज इट My friend climbed the tree. Very good. So my friend and I climbed the tree. That is the naming part. My friend and I. And then telling part. My friend and I climbed the tree. And then full stop. Please write D in the chat box if done. Write D in the chat box if done. You Gadroja. You, this is not second D beta. Mm-hmm.
बी राइट बी इन द चैट बॉक्स बेटा इज डन ओके इज देयर एनीवन हुज वर्क इज नॉट कंप्लीट जिसका नहीं हुआ है राइट एंड इन द चैट बॉक्स इट्स नॉट कंप्लीटेड देन ओके दैट मीन्स कंप्लीटेड ओके एवरीवन नाउ सी Noun. Next parts are done. Noun. Page number 13 was your homework. Page number 13. That is, you need to have to underline the name word. Noun. Okay. Wait a minute, beta. Wait. Page number 13, naming words. That is nouns in the sentences. You have to underline the nouns that were given. That was your homework. आई होप किसी को उसमें डाउट नहीं है किसी को डाउट है उस पेज नंबर पे पेज नंबर ओके एवरी वन ओके ओके ये क्रियान नंबर वेट अ मिनट हस्ती आपने कॉल कराया था नहीं बेटा पेज नंबर 13 मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछो ओके नेन ओके सो नाउ पेज नंबर 13 इज डन नाउ एवरीवन प्लीज ओपन पेज नंबर 14 पेज नंबर 1414 पेज नंबर 14 एंड इन दैट एक्सरसाइज बी That is, underline the nouns in the following sentences. So, here some sentences are given and we have to underline the naming words. That is, nouns. Names of person, place, animal or thing. So, that we have to underline. So, starting with the first sentence. My sister lives in Malaysia. Malaysia, like India is a country, Malaysia is also Malaysia a country. Name. Two nouns are there, beta. Not only one. Sister. Sister is also a naming word, beta. Sister is name of a person. So you have to underline sister and Malaysia. Sister and Malaysia. Yes. So underline Malaysia and sister both. Now, second. She works in a software company. Software company. So in this company, only company. Very good. Yes, only company will come. That is because software is a describing word. It is describing a company. कैसी किस कौन सी है company? Software company है. Okay. So software is a describing word. So here only company will come in second. Company is a naming word. Underline company. Now third, he hung his head in shame. Shame. No, beta. Shame will not be naming word. It is head. Head. Underline head. Head. Here same word is not describing, it is a describing, not taken as a describing word. It is a word that is describing an action. Okay. Jaise hum kiya same mein. So here only head is a naming word. Now fourth. The editor reprimanded the reporter. Now I will explain. Editor and reporter. Very good. But beta, mujhe explain karne do. What is editor? What is reporter? And what is reprimanded?
सी एडिटर, एडिटर इज द वन, सी जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, यू माइट हैव सीन अ न्यूज़पेपर एनी मैगजीन, ओके, सो एडिटर व्हाट डज ही डू इज ही जो भी न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज कहाँ पर रखनी है, कहाँ कौन से पेज पर कौन सी न्यूज आएगी, दैट इज डिसाइडेड बाय द एडिटर, ओके, वो डिसाइड करता है कि कितनी कितनी अच्छी अच्छी न्यूज रखनी है, कहाँ पर रखनी है, सो दैट इज डन बाय एडिटर. रिप्रेमेंडेड, दैट मीन्स कि अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है, वेन वी डू नॉट लाइक समथिंग, और जो हम उन्हें बताते हैं, ठीक है, कि ये अच्छा नहीं है, ये इस तरीके से होना चाहिए था, ये जो आपने किया है वो गलत है, ये अच्छा नहीं है, सो दैट इज रिप्रेमेंडेड. सो हियर रिप्रेमेंडेड इज ए डूइंग वर्ड, ओके, एंड इट इज ओके निर्मित, आई नो बेटा दैट आपके हैंड में वो है इसीलिए, सो दैट इज ओके. एंड रिपोर्टर, ओके, एंड रिपोर्टर इज द वन, आपने देखा होगा टीवी में जैसे माइक लेकर न्यूज बोलते हैं, है ना, कि यहाँ पर ये हुआ है, इस तरीके से हुआ, सो दैट इज रिपोर्टर. सो रिपोर्टर अगर न्यूज चैनल है तो वो बोलेगा, और अगर न्यूज पेपर है तो ही ब्रिंग ही और शी ब्रिंग्स द न्यूज, सो दैट इज अ रिपोर्टर, ओके. सो यस, वेरी गुड बेटा, जिसने भी आंसर दिया था, दैट इज एडिटर एंड रिपोर्टर, दे आर नेमिंग वर्ड, दे आर नाउंस इन दिस सेंटेंसेस, सो प्लीज अंडरलाइन एडिटर एंड रिपोर्टर. एडिटर एंड रिपोर्टर दे आर नेम्स ऑफ पर्सन, एडिटर एंड रिपोर्टर. नाउ फिफ्थ, माई मदर हेल्स फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली. यस बेटा, ऑर्थोडॉक्स मीन्स ऐसी फैमिली जो न्यू थिंग्स एक्सेप्ट नहीं करती है, दैट इज दे थिंग दैट जो पुरानी चीजें थी वही अच्छी थी, ऐसा सोचने वाली फैमिली को ऑर्थोडॉक्स फैमिली कहते हैं, ठीक है, सो यस दैट इज मदर एंड फैमिली. सो हियर मदर एंड फैमिली दे आर नेमिंग वर्ड, सो प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड. नाउ सिक्स, यस श्लोक मैम, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? बेटा अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स मीन्स ऐसी फैमिली, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली मतलब कि ऐसे लोग की जो ऐसा सोचते हैं कि जो पुराना पुराना सब कुछ है वही अच्छा है, जो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते. अगर आज की दुनिया में कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, कोई चेंज आता है पूरी वर्ल्ड में, तो दे थिंक कि ये गलत है, इससे अच्छा तो पुराना सब कुछ था वो अच्छा है, पुराना जो पुरानी सोच वाले जिसे हम कहते हैं, सो दैट इज ऑर्थोडॉक्स. वर्ल्ड इज नॉट मॉडर्न, जो नई नई चीजें एक्सेप्ट नहीं करते. ओके, नाउ नेक्स्ट सिक्स, हिज ब्रदर हेल्प हिम टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी. ब्रदर एंड जर्नी, सो प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड. नाउ सेवन, माई सिस्टर प्लीज, यस सिक्स्थ में जर्नी कैसे आएगी? जर्नी बेटा देखो, जर्नी जो है वो हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एज अ नेम, एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो एंड इफ यू एट दैट टाइम इफ यू यूज दिस वर्ब दैट इट विल बी अ वर्ब डूइंग वर्ब, बट जर्नी में जो है अगर मतलब मुसाफर आपको कहीं पर जाना है, ओके, सो दैट इज अ जर्नी, इट कैन बी यूज एज अ नाउन ऑल्सो, नेमिंग वर्ड ऑल्सो. ओके, सो जर्नी कैन बी यूज एज बोथ नेमिंग वर्ड ऑल्सो एंड एज अ डूइंग वर्ड. ओके मैम, यस. नाउ सेवन, माय सिस्टर सेज दैट आई एम गुड एट सॉल्विंग पजल. सिस्टर एंड पजल, सिस्टर एंड पजल, यस, पजल, सिस्टर एंड पजल, यस. नाउ एट,
The doctor told you that medicines alone Doctor, medicine, and patient. Very good. Doctor, medicine. जो मिशन जब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूँ तब कोई आंसर नहीं देगा. When I start writing, क्योंकि मैं जब लिख रही हूँ तब एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ में. At that time, please don't give answer. पहले आप दे दो और when I start writing, then don't give answer, okay? So that कि मैं जो बोल रही हूँ वो दूसरों को सुनाई दे. Doctor, then few is name of a person, so that's why few. Then medicine, name of a thing, that is thing. Medicines and next is patient, again name of a person. So underline these four words. Now ninth. Yes. Yes. तो बोलो बेटा. ए नो. किसी ने मैम कहा था अभी, इसलिए मैंने यस कहा. बोलो बेटा. अभी मेरा क्लास अभी मैं प्राप्तिशालय सेकंड ए में से बोल रही, सेकंड बी में से. मुझे पता नहीं है मेरा क्लास कौन सा है. बेटा टाइम टेबल देखो, आपका शायद हिंदी का होगा. हिंदी का शायद कृष्णागिरी मैम का या तो गीता ठाकुर मैम, दोनों में से किसी एक का होगा. वो देखो टाइम टेबल में शायद अर्चनागिरी मैम. हाँ अर्चनागिरी मैम का ही है शायद. ओके मैम. 9 o'clock. यस वही है. ओके. ऑल द पैसेंजर्स एंड द क्रू आर सेफ. नाउ सी पैसेंजर्स एंड क्रू. यस पैसेंजर्स भी है ये पर्सन जो पैसेंजर्स एंड क्रू. पैसेंजर्स मीन्स ऐसे पीपल जो ट्रैवल करते हैं एंड क्रू मतलब कि जो स्टाफ. फॉर एग्जांपल अगर ऑन एयरपोर्ट, ठीक है, वहाँ एयरपोर्ट के जो पीपल होते हैं, कि जो आपका लगेज चेक करते हैं, आपको खुद को चेक करते हैं, ठीक है, फिर आप जब बोर्डिंग के लिए जाते हो तो वहाँ आपकी हेल्प करते हैं. ऑन द फ्लाइट एयर होस्टेस दे ऑल आर क्रू मेंबर्स ऑफ द एयरपोर्ट. ओके सो दैट इज क्रू. सो यस वेरी गुड बेटा, दैट इज पैसेंजर. यस पैसेंजर्स एंड क्रू. नाउ टेंथ. द सन इज बिलो द अर्थ वन डे. सन एंड अर्थ. सन अर्थ एंड डे. डे इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड बेटा. डे विल ऑल्सो बी अ नाउन. ओके सो सन अर्थ एंड डे. नाउ 11. द रिच मर्चेंट. मर्चेंट मीन्स शॉपकीपर, द वन हु सेल्स समथिंग. डिवाइडेड दैट इज टू डिवाइड पार्ट. हिज वेल्थ दैट इज रूपीज अमॉन्ग हिज फोर चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन एंड वेल्थ. वेल्थ विल ऑल्सो बेटा मर्चेंट. मर्चेंट wealth that is his rupees and children. Three naming words that is noun. Three noun. And 12th last. The poor widow. Widow is not window. Okay. There is difference between window and widow. Window मतलब खिड़की and widow, W-I-D-O-W, widow is a lady, is a woman जिनका husband नहीं होता है, जिसका husband उसकी death हो गई है. So that is the widow. The poor widow had to raise. Had to raise means बड़ा करना. छोटे थे वहां से बड़ा करना. Raise the four children on her own. So yes, इसमें कौन कौन से होंगे? Dido and children. Very good. Dido and children.
डन मैम। गरीब माना। डन मैम, डन मैम। ओके ओके ओके। नाउ एवरीवन पेज नंबर 15, 1515। नाउ सी पेज नंबर 15, दैट इज वन एंड मोर देन वन। सो यू नो दैट whenever if we want to write a naming word in it more than one form, so we add s, either s, we add either es or we add or we change the whole spelling, that is hum ya to pura word hi change kar denge. Itna aapne second standard mein learn kiya hai. Okay, now see, if a naming word, agar koi bhi meaning class mein मॉनिटर हमने मॉनिटर बनाया छे बधाई ने लाइन सारू चलो आमा शू छे आ बधा नेमिंग वर्ड्स छे ओके बधा नेमिंग वर्ड सिंग्युलर मा छे सिंग्युलर एटले सिंगल ओके एक हर्षी पटेल इफ यू आर डिस्कसिंग समथिंग बेटा देन यू शुड कीप योर माइक ऑफ ओके नाउ सी अगर किसी भी नेमिंग वर्ड की एंड में एस एस सी एस एस ओ एस और डबल एस आता हो सो व्हाट डू वी ऐड टू मेक इट मोर देन वन इसे मोर देन वन करने के लिए हम इसे एंड में क्या ऐड करते हैं एस सो अगर कोई भी किसी भी नेमिंग वर्ड के एंड में एस एस सी एस एस ओ एस और डबल एस आता हो सो टू मेक देम more than one we add es to such words. Now see first example number one. Yes, that is singular and plural nouns. Very good, Dhruva. Yes. First is dish. Dishy. Dish. So at the end we have s. Dishy. So dishy. More than one we add dishy. So it will be dishes, dishes. Second, fox. Foxes. Foxes. Dishes. Foxes. 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 Okay. Okay. ऐसा लगता है जैसे आप मुझे सिखा रहे हो अब तक. You are teaching me. Okay, see. Fox, so here at the end again we have S. So to make it more than one, to write this word, in, to write the fox in its plural form, more than one form, we add ES at the end, so it will be foxes. Now from 10 to 16, that is your today's homework. Okay, so that is the remaining one is your today's homework, everyone. So please write X W there. Yeah, so either you can write here X W or यहाँ पर X W and today's date you can write. Okay? Understood everyone? Yes. Okay. So rest words are your homework. Now again, hello everyone. Turn the page and we will do page number 16. Page number 1681. Page number 16, there we have articles. So we have three articles, that is A and the. A, N and the. Okay, so A we use before words. That are one in number and the beginning sound is consonant. This is the beginning sound consonant. Then second, that is N. We use N before words. That are also one in number, but their beginning sound is vowel. And third, that is the. We use the with before words. That when we are talking about something for the second time or before words. That they are only one in number in this whole word. Okay? So there we use A, N and the. So these are the uses of A, N and the. Now, question number one, that is this one.
fill in the blank with an appropriate article. That is, this one kid. This also, that is, you have to complete in your homework. Okay? Question number one, that is, this exercise is also your homework. Now see, in this there are two words that you might confuse, so that I am solving right now only. That is seventh one. Sabhi seventh ko dekhenge. Seventh and eighth. That is Bible and Yamuna. Seventh and eighth. See, dash Bible. Bible is a holy book. Means, like in Hindu culture, no, Mahabharat and Ramayana, they are holy books in Hindu culture, while Bible is a holy book for the Christians, जिसमें Jesus Christ के बारे में बताया गया है. Okay, आरो, तो आपने अगर कर लिया है बेटा, then you just see the answers, okay? So that is, Bible is a holy book for Christians. So here what will come? Which article will come? The Bible. Very good. That is the Bible. Bible is only one in number. The Bible. Bible जैसा कुछ और दूसरा नहीं है. So the Bible. Yes? नहीं दिख रहा? Ma'am, I want to show you something. What I want to? क्या? What बेटा? I want to show you thing. You want to show me something? Okay, but we will see बेटा. तो just देखो इतना ही हमारा आज का क्लास वो के. So let's first complete. Next day आप हम सबको दिखाना. Okay? Okay. चलो. Okay. Now. Next, eight. Dash Yamuna. Yamuna is a river. So what will come before Yamuna? The Yamuna. Very good. Yamuna is also only one in number. Okay, so that is the Yamuna. Very good, beta. Yes. So rest of the words you can do by yourself. Wo aap kar paoge. That's why I gave that in homework. Now we will do question number two, that is fill in the blanks with A and or the. Fill in the blanks with A and the, that is this one. Okay, first is, I bought dash new dress. I bought dash new dress. Yes, very good. That is, here the beginning sound is consonant. So, A. I bought a new dress. Very good. Now, second. Ram helped dash old man in crossing dash road. An old man in crossing the road. Yes. An old man. Beginning sound is O. A road. Very good. Here, consonant. So, A. And here, beginning. And vowel so N. Now dash Taj Mahal is situated in Agra. Taj Mahal. Very good. That is because the special name that is given to a building, and also it is only one in number in the whole world. So the Taj Mahal. Now next, I saw that dolphin show. Yesterday, A dolphin show yesterday. Very good. A dolphin. Yes, only one in number, and also beginning sound is the, that is consonant. So A. Fifth number must answer. Yes. Bol khata. Planet and the sun. The planet revolves around the sun. Okay, the planet revolves around the sun. Because planet jaisa hamari solar system mein aur dusra kuch nahi hai. It will come and here the sun, because sun is only one in number.
Now six. Today dash farmer. Today dash farmer will buy dash ox and dash cow. Farmer in ox and a cow and a cow. Today a farmer, okay, a farmer will buy an ox and a cow. Very good. Yes. Now, next, seven. Ali is dash doctor. Ali is a doctor. Oh. Ali is a doctor. Doctor. Will not come. Beta is a doctor. Beginning sound is the consonant. Now dash Ganga. Dash Ganga is dash holy river. The Ganga is a holy river. The Ganga is a holy river. Very good, yes. The Ganga is only one in number, that's why it's her, and holy beginning sound is H, her. So that's why let your children play in dash rain. Dhare. 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 Very good. Because rain jaisa dusra aur kuch nahi hota hai. That's why dhare. Very good. Now last name. Ravi is. Ravi is. An honest man. Ravi is an honest man. Do you want कि मैं आपने से किसी को भी ना बना मॉनिटर? आंसर दो बेटा. अभी जो लास्ट में मुझे पता है वो कौन था. अब मैं आपके सभी के आवाज को पहचानती हूँ. एन कौन बोल रहा था कंटिन्यूअसली? Will you let me explain? You know that this is honest, that's why N will come. दूसरे सोच रहे होंगे यहाँ पर N क्यों आएगा. Please let me explain. Ma'am, I can. See, here honest because H is silent here, okay? H is silent. We never read this word as honest. It is wrong. We read it as honest. Honest. So the beginning sound is O. That's why here N will come and not A. That's why यहाँ पर N आएगा. An honest man, not a honest man. That is honest is wrong. Okay. So kids, this is all about today's class work. So today we completed our naming words, and more than one and more than one is your homework, and we started with the articles. So question one is your homework, and question two we did it. We discussed right now. Okay. So this is all about today's class. Yes, someone wanted to show me something. Yes, but now you can show. Ma'am, Arav Patel. Yes, Arav. Please show, beta. Very beautiful. Krisha, wait. Beta, Krisha, ye second C ka class nahi hai. This is second A class. Aapko 10 o'clock join hona hai. Yes, Arav. Okay, ma'am. Is that? Okay. Oh, thank you so much, Arav. Very beautiful, beta. Happy Guru Purnima. Very good, beta. Very good, Arav. Wow, बहुत ही अच्छा कार्ड बनाया है आपने. Thank you, ma'am. Gift box जैसा भी दिख रहा है. Very good, beta. आपने खुद से बनाया? Yes, ma'am. बहुत ही मेरी दीदी ने थोड़ी हेल्प की थी. वेरी गुड. बहुत ही अच्छा है. वेरी ब्यूटीफुल आ रहा हो. थैंक यू. वेरी ब्यूटीफुल बेटा.
एंड थैंक यू सो मच आरो फॉर दिस ब्यूटीफुल जेस्चर. थैंक यू बेटा, थैंक यू, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ओके 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 सो किड्स, सो लेट अस एंड अवर क्लास ओवर हियर. यू ऑल्सो हैव अ नेक्स्ट क्लास. ओके सो बाय बाय किड्स. Have a nice day. Bye, ma'am. Have a happy day. Bye, ma'am. 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 Bye, everyone. Bye, ma'am.